नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल एट योर होम। आशा करती हूँ आप सभी घर पर अच्छे होंगे इस टाइम पर। तो मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ फॉर क्रिस्टेबल क्लास। सो दिस इज योर कोर्स बुक टिम टिम सीनियर केजी। ये क्या है आपकी बच्चों? कोर्स बुक है, ठीक है। लास्ट वीडियो मैंने आपको एक ही मात्रा के वर्ड्स बताए थे, शब्द बताए थे, उनको नोटबुक में भी दिया था और उसका हमने क्या करा था, गृह कार्य भी किया था। लास्ट वीडियो में आपको, इस वीडियो में आपको क्या करूँगी, उसका रिमेनिंग पार्ट पढ़ाऊँगी। और अब क्या है, एक ही मात्रा की यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी हुई है, मैं आपको उसको पढ़ के बताऊँगी। और इसकी प्रैक्टिस आप कहाँ पर करेंगे? घर पर करेंगे, अपनी नोट अपनी बुक को पढ़कर, ठीक है। अब एक ही मात्रा की यहाँ पर क्या पंक्तियाँ हैं? हा मा रे। अब देखो यहाँ पर एक ही मात्रा लगी हुई है र पे, तो क्या बना? रे। तो ह मा रे, हमारे मित्र, मित्र हमारे मित्र। अब डे में क्या हुआ? एक ही मात्रा लगा दी, सॉरी ड में क्या हुआ? एक ही मात्रा लगाई, तो क्या बना ये? खड़े, 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 खड़े। पापे की मात्रा लगी तो पे, तो क्या बना? पेड़। कभी न थकते। देखो बच्चों, जहां पर मात्रा आ रही है मेरा साउंड उसी मात्रा के अकॉर्डिंग निकल रहा है। यहाँ पर ई की मात्रा है तो यहाँ पर मेरा ई की मात्रा का साउंड आएगा। यहाँ पर ए की मात्रा लगी है तो यहाँ पर ए की मात्रा का साउंड आएगा। यहाँ पर वापस से मी की ई की मात्रा है तो ई का साउंड आएगा। तो कैसे पढ़ेंगे हम इसको? खड़े, 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 पेड़ कभी ना थकते। मिलते हमें फल उनसे अनेक। अब देखो, ता में की मात्रा लगी तो ते, मा में की मात्रा लगी तो मे, सा में की मात्रा लगी तो से, ना में की मात्रा लगी तो ने। तो मिलते, मिलते हमें, हमें फल, फल उन से, उनसे अनेक, अनेक। मिलते हमें फल उनसे अनेक। पेड़ हमारे मित्र सदा से, पेड़ हमारे मित्र सदा से, वे हमारी धरा सजाते। क्या है? खड़े, खड़े, पेड़ कभी ना थकते। मिलते हमें फल उनसे अनेक। पेड़ हमारे मित्र सदा से, वे हमारी धरा सजाते। ठीक है, इस तरीके से क्या है, ये एक ही मात्रा वाली कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने आपके सामने पढ़ी है। अब क्या है, इस आप इससे वही है अभ्यास कार्य। का में एक ही मात्रा लगी तो केला, केला। मा में एक ही मात्रा लगी तो मेज, मेज। अब देखो बच्चों, यहाँ पर बिंदी लग रही तो इसका उच्चारण क्या होगा? ज, न कि ज। तो क्या? मेज, मेज। रा में एक ही मात्रा लगी तो रेल, रेल। देन नामे की मात्रा लगी तो ने वला, नेवला। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे एक ही मात्रा वाले शब्द। अब हमारा नेक्स्ट वर्क है लिखित कविता के आधार पर पंक्तियां पूरी कीजिए। वही कार्य जो हम लास्ट वीडियो में करते आ रहे हैं। हमको कुछ पंक्तियां दी जाती है उस मात्रा के आधार पर, और हम क्या करेंगे, इन कविता, इन जो ये जो कविता है ये क्या है, यहाँ पर अधूरी है, तो इन पंक्तियों को हम क्या करेंगे, किताब कविता में से देखकर पढ़ेंगे और इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो पेड़, अब देखिए यहाँ पर क्या आया, पेड़। खड़े, खड़े, क्या आएगा इसमें? खड़े, खड़े। तो जो फर्स्ट रिक्त स्थान है फिलिंदा ब्लैंक्स, उसमें हम क्या करेंगे? खड़े, 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 खड़े। पेड़ कभी ना थकते, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है तो हमें याद है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब हमारे, अब हमारे कहाँ पे लिखा हुआ है? येरा। तो उसके पहले क्या है? पेड़। मित्र सदा से, अब पेड़ क्या है हमारे, हमारे कौन है? पेड़ हमारे
मित्र सदा से। वे हमारी क्या सजाते हैं? धरा सजाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन रिक्त स्थानों को अपनी पंक्ति, इन पंक्तियों को हमने अपनी पंक्तियों जो पीछे दी हुई उसमें से देखकर कंप्लीट किया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर उल्टे पुल्टे वर्णों को सही क्रम में लिखिए। अब क्या है, यहाँ पर कुछ वर्ण दिया हुआ है लेकिन उनको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, पुल्टा कर दिया। तो हमको क्या करना है, उसको सही क्रम में जमा कर लिखना है। तो ये क्या है, किसकी तस्वीर है, ये रपे की पेड़, पेड़ किसकी है, ये पेड़। और ये क्या है, मित्र, एक दूसरे का क्या होता है, मित्र होते हैं। और नेक्स्ट है लफ नहीं होता बेटा, फल होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करा, इन निक्षसानों को भी कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट पेज में पेज नंबर 74, चित्रों को उचित नाम से जोड़िए। अब यहाँ पर क्या है, चित्र भी दिए हुए हैं और उसके नेम्स भी दिए हुए हैं, मतलब नाम भी दिए हुए हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, चित्र को देखना है। अब उससे रिलेटेड यहाँ पर कौन सा वर्ड लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये क्या है, केला। तो हमने इसको किससे ऐड कर दिया, केले के शब्द से। आप देखिए यहाँ पर हमारे घर में, घर के पास सभी क्या लगाते हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ठेला। तो ठेला। और शेर क्या होता है, जंगल का राजा होता है। तो शेर कहाँ है, यहाँ पर है। सेब, सेब क्या होता है, बहुत ही एनर्जी फूड होता है, सॉरी फ्रूट्स होता है। अभी बच्चे क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, आप क्या करते हो अपने फ्रेंड के साथ, खेलते हो ना, तो ये क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और जो ये भेड़ है, हमें ऊन किससे मिलती है, भेड़ से मिलती है। तो हमने क्या किया, चित्र को देखकर उसको उसके नामों से मिला दिया है। तो दिस पेज इज कंप्लीटेड। देन नेक्स्ट पेज इज किसकी है, अब यहाँ पर शब्द तो दिए हुए हैं लेकिन इसने क्या किया है, मात्रा नहीं लगाई है। और अब हम किसकी मात्रा पढ़ रहे हैं, ए की मात्रा पढ़ रहे हैं। तो हम इन शब्दों के ऊपर किसकी मात्रा लगाएंगे, ए की मात्रा लगाएंगे। तो खत नहीं होता, ये किसकी पिक्चर है, खेत की। ठीक है, अब ये क्या है, जो बच्चे नहीं खाते हैं, कौन सी सब्जी है, करेला, करेला। फिर माँ में एक ही मात्र लगाई तो मेला, मेला। वापिस से क्या आ गया, पेड़, पेड़। इस तरीके से हमने इस पेज को भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। नाउ दिस इज योर लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, लेखन अभ्यास। लेखन अभ्यास क्या होता है बेटा, लिखने की प्रैक्टिस होती है कि आपको प्रॉपर वे में सारी चीज़ें लिखने में आ जाए। वही क्या करना है, हमको इन डॉट्स को क्या करना है, पहले ट्रेस करना है। क्या करना है, ट्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे, इनको ट्रेस करेंगे। तो मामू की मत लगी तो मुँह, जामे की मत लगी तो झे, मुझे। संतरे, संतरे। का जूस पसंद है। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या करा, इन सारे डॉट्स को क्या कर लिया, ज्वाइन कर दिया, मतलब ट्रेस कर दिया। अब यहाँ पर जो फिलिंदा ब्लैंक्स है, आपको एज इट इज ये वाले पंक्ति कहाँ लिखनी है, नीचे लिखनी है। मुझे संतरे का जूस पसंद है।
ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा पेड़ हरे भरे, इसको भी हम क्या कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे। पेड़ हरे भरे हैं, अब इसको भी हम क्या करेंगे, एज इट इज नीचे कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले अभ्यास कार्य को हम क्या करेंगे, अपनी बुक में करेंगे। तो ये चैप्टर यहीं पर, आज ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। और आप एक ही मात्रा वाले शब्द को पढ़ना और लिखना सीखेंगे घर पर, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जो मैंने होमवर्क दिया है वो अपनी नोटबुक में और अपनी बुक में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।